उरी हमले के बाद पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की मुहिम रंग ला रही है। सार्क समिट से ठीक पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए भारत ने इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले सार्क समिट सम्मेलन में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। भारत ने वर्तमान में सार्क की अध्यक्षता कर रहे नेपाल से कहा है कि एक देश ने ऐसा माहौल बना दिया है जो शिखर सम्मेलन के लिए हितकारी नहीं है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि क्षेत्रीय सहयोग और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। मौजूदा हालात में भारत सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। वही भारत के इस फैसले को पड़ोसी देशों बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान से समर्थन मिला है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन देशों ने भी सम्मेलन में शिरकत नहीं करने का निर्णय किया है। बांग्लादेश और भूटान ने भी नेपाल को लगभग एक जैसा पत्र भेजकर मौजूदा परिस्थितियों में इस्लामाबाद में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने की असमर्थता जाहिर की है। अफगानिस्तान भी आतंकवाद का हवाला देते हुए पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए दक्षेस सम्मेलन का बहिष्कार करने का आह्वान कर चुका है। आपको बता दें कि सार्क के नियमों के मुताबिक अगर कोई भी एक देश इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा तो शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता। वहीं इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने कहा है कि हमें इस संदर्भ में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। अगर ऐसा है तो भारत की घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही पाकिस्तान के प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान पर उरी हमले का आरोप लगा रहा है वह गलत है। भारत पाकिस्तान में आर्थिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उरी हमले के बाद लगातार भारत पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बना रहा है। सिंधु जल समझौते और मोस्ट फेवर्ड नेशन पर पुनर्विचार के बीच अब मोदी सरकार का यह फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। देखते रहिए टीवी लाइव।